अस्सलामुअलैकुम हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्नाटका व्लॉगर फलकनास किचन में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज है संडे और मैं बना रही हूँ यहाँ पे कोफ्ते का सालन, मटन कोफ्ते का सालन। सॉरी आपको रेसिपी नहीं दे पाई क्योंकि करंट बार बार जा रहा था और जो भी इसके प्रोसेस होते हैं ना वो मैं नहीं कर पाई शूट, तो बहुत देर हो गई थी। तो सालन बना लिया है मैंने, नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी। ये रहा मेरा कोफ्ते मटन का सालन। आहिल के पापा आ गए थे मॉर्निंग सुबह, तो उन्होंने हमें मटन तरकारी सब कुछ ला कर दिया, क्योंकि 8 दिन से 1 हफ्ते से मैं और मेरा बेटा दाल खाना अंडा अचार पापड़ यही खा रहे थे। अभी जो है लाल लाल टमाटर लेकर आए थे आहिल के पापा, तो मैं बना रही यहाँ पे अचार। 3-4 महीने तक अच्छे से स्टोर करके रखूँगी इस तरह से सोचा था, तो आज मैंने यहाँ पे टमाटर का अचार बना लिया है। इसकी रेसिपी अलग से आपको डालूँगी क्योंकि आप लोग रेसिपी देखते तो व्लॉग नहीं देखते, व्लॉग देखते तो रेसिपी नहीं देखते, तो वैसे भी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने ये रहा मेरा अचार, नेक्स्ट वीडियो आपको अचार का मिलेगा, टमाटो पप्पू का, टमाटो अचार का, कर्नाटका स्पेशल ये पप्पू है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर विजिट करके देखिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। अभी जो है इस तरह से मैंने स्टोर करके रखा है। अभी जो मैं अपनी बहुत ही फेवरेट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेरे जो रूटीन से बहुत ही अव्वल रूटीन है, बालों का केयर करना, यानी बालों का जो है स्पा, मतलब बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर जाके स्पा वगैरह कराते हैं, कलर वगैरह कराते हैं, लेकिन मैं जो है घर में ही करती हूँ। ये मेहंदी है जो हाथों में लगाते हैं, यानी हिना मेहंदी आप जो भी कहें वो है, तो मैंने इसे 4 स्पून लिए हैं अपने। महीने में 2 बार मैं इस तरह से करती हूँ अपने बालों पे ताकि वो मजबूत रहें, घने रहें, मोटे रहें और शाइन भी करें और जो है डैमेज भी ना हो। इस तरह से मैं घर में हमेशा अपने बालों को मैंने हमेशा इस तरह से किया है। बाल जो है अच्छे मजबूत बनते हैं, घने बनते हैं और जो है टूटने का सवाल ही नहीं होता और जो है सिल्की भी होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के इसे पेस्ट बना लेती हूँ मैं और अपने बालों को अप्लाई करती हूँ। थोड़ा फ्री थी तो सोचा आज कर लूँ, क्योंकि महीने में 2 बार मैं करती ही हूँ, तो आज संडे भी था तो मैंने सोचा कि कर लूँ। मैंने मॉर्निंग में ही ये जो है पेस्ट बना के रख दिया, तो 3 घंटों के बाद मैंने इसे अपने बालों में अप्लाई किया है। इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया और बालों को अपनी अप्लाई किया है। देखिए डिफ्रेंस, इसको अप्लाई करने के बाद ना बहुत सूख जाना चाहिए, इस तरह से उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब भी फ्री हो इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है मैंने अपने बालों को इस तरह से अप्लाई किया और बन बना लिया इस तरह से। जब भी सूख गया था उसके बाद जो है मैंने, ये देखिए मेरा हाथ कितना लाल हुआ है ना, इसके बाद जो है नीम गर्म पानी से मैंने अपने हेड को वॉश कर लिया, बालों को वॉश किया। लेकिन शैम्पू जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए जब भी आप हिना मेहंदी यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है ब्यूटी पार्लर जाते हैं, स्पा कराते हैं, वो चंद दिनों की ब्यूटी होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके बाद बाल जो है बहुत डैमेज होते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो क्या होता है ना, डैमेज बाल हो जाते हैं, गिरने लगते हैं और बेनूर से होते हैं। ये जो मेहंदी है वो बहुत ही कुदरती है और बहुत ही आयुर्वेदा टिप है, तो प्लीज़ इस तरह से बालों में अप्लाई कीजिएगा। लंबे घने खूबसूरत मेरे बाल कैसे हैं, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इस तरह से आप भी अपने बालों को मजबूत, घना, लंबा बना सकते हो। मेरे बाल ऑलरेडी ब्राउन हैं, कलर के ब्लैक नहीं हैं, तो इस तरह से मेरे बालों को मैं महीने में 2 बार अप्लाई करती हूँ। ब्यूटी पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती, ना ही मैं रूटीन जो है स्किन का रूटीन हो या बालों का रूटीन, मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको स्किन का जैसे मैं ख्याल रखती हूँ वो आपको डालूँगी। ये रहा मेरा हेयर का रूटीन जो मैं करती हूँ, महीने में 2 बार अप्लाई करती हूँ हिना को, जिससे मेरे बाल लंबे, घने, खूबसूरत हैं और बहुत ही लंबे हैं और मजबूत भी हैं, टूटते नहीं हैं और डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको भी रिज़ल्ट जो है 1 मंथ में ही दिख जाएगा कि आप जो है, अगर किसी को सर में भी दर्द है ना वो भी रिलीफ हो जाएगा, यकीन मानिएगा, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ एक बार माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा मेरे इस वीडियो को देख कर फ्रेंड्स। उसके बाद हम शाम में जो है बाहर गए थे मैं और आहिल, 1 हफ्ते के बाद आहिल के पापा आए थे तो बाहर जाना बनता था ना, है ना। Sunday guzar rahe hain friends. I don't need a villa on the Rhine. Just some coffee is essential, with a crossword and a pencil, and a porch swing with a cushion on the back. Well, I won't leave much behind, but I ask if you don't mind, would you feed my roses when I die?
live a life that's simple all alone. I never had a family. अभी जो बहुत देर तक हम यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क आए थे, अहिल को खिलाने लगे, अहिल बहुत खुश हुआ। अहिल के पापा आने के बाद से वो बहुत ही खुश था, लेकिन उसे थोड़ा सा हल्का सा बुखार पहले ही आया था अहिल के पापा को याद करके, तो उसे मेडिसिन भी लेना था। तो इस तरह से हमारे अहिल की एक फ्रेंड आने वाली है यहाँ पे। हमेशा हम जब ग्राउंड में आते हैं तो उसे फ़ोन करते हैं, जुहा उसका नाम है, और अहिल उसे बहुत पसंद करता है और दोनों मिलकर खेलते हैं। उनकी अम्मी और मैं फ्रेंड बन गए हैं तो हमारा भी ज़रा थोड़ा बड़ा टाइम पास हो जाता है। तो इस तरह से हम अच्छे फ्रेंड बन गए और बहुत ही जो है अच्छा लगता है उनकी कंपनी हमें। वो भी उनकी एक बेटी है और वो हस्बैंड वाइफ उसको लेकर आते हैं। मैंने कॉल कर दिया, बस उनका इंतज़ार कर रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने छोटा ब्लॉग डाला है ताकि आप सब लोग कनेक्ट रह सको, हमें सपोर्ट कर सको। मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। आप न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बहुत सारे व्यूवर्स आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है और उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। तो छोटे छोटे ब्लॉग डाल रही हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट रह सके, प्लीज़ कनेक्ट रहेगा। दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। और जो है विज़िट करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है अचार का है, प्लीज़ देखिएगा। और अचार आप भी टमाटे सस्ते हैं तो बना लीजिएगा। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा मेरे बालों को देखकर, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा गए अहिल के फेवरेट, यानी अब वो जो 8 दिन के बाद आए थे तो कुछ ना कुछ अहिल को रिश्वत वगैरह देना था, तो अहिल के पापा ने उसे लेकर गए यहाँ पे, बाहर लेकर गए थे। उसके बाद कुछ दिलाया, उसके बाद हम होटल गए, वहाँ पे मंचूरी खाई और उसकी फ्रेंड का वेट करते करते फाइनली वो लोग आ गए। तो हमने उनसे भी बात की, अहिल भी बहुत अच्छे से खेला। अभी जो है अहिल बहुत खुश इसलिए है क्योंकि उसके पापा आ गए। मॉर्निंग उसे स्कूल भेजना था लेकिन थोड़ी सी हल्की बुखार थी, तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कम हो गए तो जाएंगे। अहिल के फ्रेंड आ गई और उसके साथ अच्छे से खेलने लगा और बहुत सारे बच्चे भी आए थे यहाँ पे। अहिल उसी के साथ खेलना पसंद करता है और बच्ची के साथ, वो बच्ची भी बहुत अच्छी है, मिलजुल के दोनों खेल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हम इस तरह से आए और सच में फ्रेश हो जाता है। आप लोग भी बाहर जाइए इवनिंग को, जब भी फैमिली फ्री हो तो जाइए। अब हम बाहर आ गए, यहाँ पे मंचूरी खाई, उसके बाद अहिल वेट कर रहे हैं मंचूरी का। तो मंचूरी खाकर हम सीधा गए अहिल को सिरप लेने के लिए क्योंकि हल्का सा बुखार था उसे, तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी अच्छा और स्कूल को जो कंटिन्यू करें। और छोटा सा व्लॉग है, दुआ कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।